Good morning, students. Today I want to teach you chapter 3, One Evening in Illinois. Illinois is the place which is situated near Chicago in USA, and it is near the Mississippi River. What do you understand by the following? Write about it in the space provided. You can consult the following sources for this. You can look out the dictionary and teachers, classmates, internets, whatever you can. But you have to write down about this words. Volcano, earthquake, avalanche, tornado, hurricane, flood. इसके बारे में आप लोगों को वन वन वर्ड्स लिखना है कि इसके बारे में आपको क्या पता है. What do they have in common? Can they be avoided? Discuss. और इनमें से कॉमन क्या, मतलब ये सारी जो चीज़ है, जो वर्ड्स है, इसका कॉमन फीचर्स क्या है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है. ये आपका होमवर्क है और यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. सॉरी. इट वॉज May 6, 2003. जॉन ट्रेवर वॉज रीडिंग हैरी पॉटर and the Chamber of Secrets in the evening at his home. 2003 का 6 मई की घटना है. जॉन ट्रेवर हैरी पॉटर पढ़ रहे थे और द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स उनके घर में बैठ के पढ़ रहे थे. हिज पेरेंट्स हैड जस्ट गॉन गॉट होम फ्रॉम द मार्केट. और उसका पेरेंट्स मार्केट से आए हुए थे. ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड शिवर्ड. वो खिड़की के बाहर से जब देख रहे थे उसका एकदम से शिवरिंग आ रहा था, बहुत ज़्यादा उसका खिंचनी आ रहा था. इट वॉज विंडी आउटसाइड. बहुत ज़्यादा विंडी मतलब बहुत ज़्यादा तूफान जैसा चल रहा था. हिज मदर वेंट टू द किचन टू फिक्स अ मील. मम्मी कहाँ गए थे, किचन में गए थे खाना बनाने के लिए. हिज फादर स्विच्ड ऑन द टेलीविजन एंड स्टार्टेड वॉचिंग द सिम्पसन्स हिज फेवरेट कार्टून. पापा ने स्विच ऑन किया टेलीविजन का, सिम्पसन्स उनका फेवरेट कार्टून चैनल वो देखने लगे. सडनली द फोन स्टार्टेड रिंगिंग. हिज फादर आंसर्ड द फोन. सडनली फोन शुरू हुआ बजना और उनके पापा फोन में आंसर करना शुरू किया. यस, ट्रेवर स्पीकिंग. उसके पापा ने बोला हाँ, ट्रेवर बात कर रहा है. मीनवाइल हिज मदर केम आउट ऑफ द किचन एंड लुक एट हर हस्बैंड. इन द मीन टाइम उसकी मम्मी किचन में से बाहर आए और उनके हस्बैंड की तरफ देखने लगे. He was still on the phone. उसके पापा तब तक फोन पर ही थे. What? Are you sure? क्या आपको आप श्योर हो? 5 minutes you said. His face suddenly became serious. His wife looked at him questioningly. 5 minutes आपने बोला. His face suddenly became serious. बहुत ज़्यादा serious हो गया पापा का फेस और उसकी मम्मी उसके फादर की तरफ questioningly मतलब एकदम question लेके फेस की तरफ देखने लगे. There is a tornado heading towards us. The call was from the weather department. पापा ने फोन रखते हुए बोला टॉर्नेडो आ रहा है जो कि हम लोगों का शहर में अभी आ जाएगा और वेदर डिपार्टमेंट से फोन था. टॉर्नेडो है वायलेंटली डिस्ट्रक्टिव विंड स्टॉर्म. बहुत ज़्यादा तूफान जो कि बिल्कुल घूमते हुए आते हैं, पूरी दुनिया को, पूरी शहर को एकदम छाड़खाड़ कर देते हैं. जॉन वॉज स्केयर्ड. मॉम लेट्स गेट इन टू द बाथरूम. जॉन बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. मॉम लेट्स गेट इन टू द बाथरूम. चले हम बाथरूम में चलते हैं. माई टीचर सेज दैट बेसमेंट्स एंड बाथरूम्स आर द सेफेस्ट प्लेसेस व्हेन हिट बाय अ ट्विस्टर. तो जो उसने बोला, लड़का ने बोला, जॉन ट्रेवर बोला कि मेरा टीचर ने बोला है कि बाथरूम और बेसमेंट सबसे सेफेस्ट प्लेस है जब इस टाइप का ट्विस्टर आता है. ट्विस्टर मीन्स अनदर टर्म फॉर टॉर्नेडो. टॉर्नेडो का अनदर टर्म है. दे रश्ड टू द बाथरूम सिंस दे डिड नॉट हैव अ बेसमेंट इन देयर होम. तीनों एकदम रश्ड मतलब दौड़ के कहाँ गए, बाथरूम में गए क्योंकि उनके घर के नीचे बेसमेंट नहीं था. ट्रेवर्स डैड वेंट टू द पोर्च टू गेट द फ्लैग बट इट वॉज टू लेट. ट्रेवर्स डैड मतलब ट्रेवर के डैड पोर्च मतलब वो जो लॉबी है उसमें गए फ्लैग दिखाने के लिए बट इट वॉज टू लेट. बहुत देर हो चुका था.
द टॉर्नेडो वॉज ऑलमोस्ट देयर, टॉर्नेडो ऑलरेडी आ चुके थे. मिस्टर ट्रेवर सॉ अ ट्री गो बाय, उन्होंने देखा एक ट्री ऐसे जा रहा है, मतलब उखड़ के जा रहा है. ही रश्ड टू द बाथरूम, दौड़ के बाथरूम में गए. देन देयर हाउस वॉज पिक्ड अप एंड द स्लैम्ड डाउन, एकदम लॉट ऑफ फोर्स में उनकी जो हाउस है वो पिक्ड अप हो गया. हिज डैड आस्क्ड हिज मॉम टू कॉल फॉर हेल्प, उसकी डैड उसकी मम्मी को बोला फोन करने के लिए, हेल्प के लिए. शी कॉल्ड अप हर ब्रदर, मम्मी ने उनकी भाई को फोन किया. अगेन द टॉर्नेडो स्लैम डाउन, फिर से टॉर्नेडो फोर्स डाउनली उधर आ गया. देन इट गॉट रियल क्वाइट, उसके बाद बिल्कुल शांत हो गया. सडनली दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एज दे वर राइट इन द आई ऑफ द टॉर्नेडो. सडनली वो लोग ये महसूस किया कि उनके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है जैसे कि टॉर्नेडो आया है. देन द टॉर्नेडो स्लैम डाउन अगेन एंड कैरिड देयर हाउस ओवर अ फील्ड अबाउट 150 ईयर्स. उसके बाद टॉर्नेडो फिर से आया और उनकी पूरी कैरिड देयर हाउस, पूरा हाउस को उखाड़ के ले गया 150 ईयर दूरी पे. देन इट सक्ड देम आउट, बिल्कुल पुल्ड देम विथ फोर्स, मतलब एकदम से उनको उखाड़ के फेंका. दे लैंडेड इन अ फील्ड, वो लोग एकदम से जमीन पे मतलब गिरा. जॉन्स लेग वॉज रैप्ड इन अ चेयर एंड ही फेल डाउन ऑन हिज आर्म, जॉन का जो पैर था वो चेयर के साथ लग गया और बिल्कुल नीचे गिर गया. हिज मदर वॉज फ्लाइंग इन द एयर, उसकी मम्मी मतलब पूरी एयर में फ्लाई हो रहा था. शी फ्लू अवे, जाते हुए ऐसे उड़ रहा था. ही कुड नॉट सी हर, उसकी जॉन ने उसको मम्मी को देख नहीं पाए. ही सॉ हिज बुक फ्लाइंग अवे, उसका बुक्स भी सारे उड़ते जा रहे थे. देन हिज मदर केम बैक, उसकी मम्मी आई. द टॉर्नेडो विंड सक्ड हिज डैड्स शूज ऑफ एंड हिज वॉलेट आउट ऑफ हिज पैंट्स, उसके बाद टॉर्नेडो उसके पापा के शूज में लगा एंड वॉलेट को उनके पैंट से निकाल के फेंका. देन ही फेल ऑन द ग्राउंड विद अ थर्ड, बिल्कुल जोर से मतलब थर्ड मीन लाउड नॉइस के साथ नीचे गिरा. द टॉर्नेडो हैड पास्ड, टॉर्नेडो चला गया. हिज डैड पिक्ड हिम अप, खुद को उठाया. दे सॉ देयर ट्रक विच वॉज सेफ, वो लोग उनको ट्रक को देखा जो सेफ था. दे गॉट इन इट एंड टूक ऑफ टू द हॉस्पिटल, वो लोग उसके ऊपर मतलब ट्रैक में चढ़ा और खुद हॉस्पिटल ले गए. जॉन्स लेग हैड फ्रैक्चर्ड इन टू प्लेसेस, जॉन का जो लेग्स था वो टू प्लेसेस में फ्रैक्चर हुआ था. हिज मॉम एंड डैड वर नॉट हर्ट, मम्मी पापा दोनों सही सलामत थे. ही हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर थ्री डेज, जॉन को 3 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा. देयर हाउस वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उनका जो घर था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय, मकान जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था. द रूफ हैड लैंडेड इन द लेक बिहाइंड देयर हाउस, उनका जो घर का छत था वो नीचे लेक के पीछे हाउस के पीछे गिर गया. द गवर्नर ऑफ इलिनियस विजिटेड द प्लेस वेयर देयर हाउस यूज्ड टू बी, द गवर्नर जो थे इलिनियस का, वहाँ के उनके घर के हाउस जहाँ पे थे वहाँ विजिट करने आए थे. द टॉर्नेडो ट्रेवल्ड ओवर 30 miles with the wind speed of over 250 miles per hour. Tornado travel kiya 30 miles with the wind speed of over 250 miles per hour. Har ghante mein 250 mil ka duri par the. Two people were killed because of the tornado. Tornado mein do logo ka death ho chuka tha. One of them was a lady, their neighbor. Jo ek lady the unki neighbor the, who was thrown from the trailer into a pond. And another was a man who lived up in the road, और जो कि एक रोड पे रहते थे. A chimney fell on him while he was trying to protect his son. A chimney उनके ऊपर गिर गया जब उन्होंने उनके बच्चे को प्रोटेक्ट करने गए थे. तो ये है टॉर्नेडो के बारे में हम लोग पढ़े हैं और अभी हमने हार्ड वर्ड्स बता रहे हैं, उसको मार्कआउट करो. नंबर वन, शिवर्ड. नंबर वन शिवर्ड. नंबर टू स्विच्ड. नंबर थ्री फेवरेट. नंबर फोर सडनली. फाइव मीनवाइल. सिक्स सीरियस.
7 questioning leave, number 8 tornado, 9 department, number 10 scared, then 11 basement, then twister, then rushed, then slammed, then sucked them out, wrapped, then third, fractured, destroyed, governor, traveled, neighbor, and chimney. Now, these are the hard words you have to write down. The hard words, word meanings, and the first one you have to write down in your notebook and give it to me through my...